सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज बात करने वाले हैं एक्समैन डार्क फीनिक्स के बारे में, जिसे लेकर कुछ अपडेट्स आए हैं। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही है कि डार्क फीनिक्स मूवी आने वाली है, और कब तो वो मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये फिल्म आने वाली है 2 नवंबर 2018 को। लेकिन अब इस फिल्म के अपडेट क्या है? वेल, अपडेट ये है कि इस फिल्म के साथ जेसिका चेस्टेन जुड़ चुकी है, जिन्हें लेकर काफी रूमर्स आई कि वो इस फिल्म में कौन सा रोल करने वाली है। जिनमें से सबसे पहला रूमर था कि वो इस फिल्म में ली लैंड्रा का रोल करने वाली है, जिसके चलते फैंस को ये पता चला कि इस फिल्म में विलेन जेन नहीं ली लैंड्रा होगी। लेकिन अब जेसिका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह कंफर्म किया है कि वो ली लैंड्रा का रोल नहीं कर रही इस फिल्म में। तो अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो इस फिल्म में रोल क्या कर रही है। वेल, यहाँ पर कुछ रूमर ये है कि वो इस फिल्म में अमेलिया वॉक्स का रोल कर रही है। वेल, ये अब एक रूमर है, ये बात कंफर्म नहीं है कि वो इस फिल्म में रोल क्या कर रही है, क्योंकि ये बात फॉक्स ने काफी छुपा रखी है फैंस से। वेल, ये बात थी जेसिका की। अब बात करते हैं इस फिल्म के दूसरे मेजर पॉइंट की, जिसे सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। वेल, तो अब बारी आपके दिमाग खराब करने की है। वेल, तो वो खबर ये है कि जब एक्समैन डार्क फीनिक्स की शूटिंग चल रही थी, तो उस शूटिंग पर लोगों ने एक कैरेक्टर को देखा, जिनमें से ये कंफर्म हुआ कि ये कैरेक्टर कौन है। वेल, ये कैरेक्टर है विरेंकी। तो इसमें बड़ी बात क्या है? तो इसमें बड़ी बात ये है कि ये स्कल्स की क्वीन है, जिसे सुनकर मेरा दिमाग काफी खराब हो गया, क्योंकि अब फॉक्स के पास क्वीन है तो लोग कहेंगे इसका किंग कहाँ है। तो मैं वो भी बात कंफर्म कर देता हूँ कि इसका किंग कहाँ है। वेल, इसका किंग है MCU के पास। आपको पता है कि MCU ने कैप्टन मूवी अनाउंस की है, और साथ ही साथ ये भी अनाउंस किया है कि उस फिल्म में विलन कौन होगे। वेल, MCU ने ये अनाउंस किया था कि उस फिल्म में विलन स्कल्स होगे, तो शायद इस बात का फायदा उठाकर फॉक्स ने भी अपनी मूवीज में स्कल्स को विलन बना दिया। तो अब हमें स्कल्स दो यूनिवर्स में नजर आएंगे, लेकिन बिल्कुल अलग, एक फॉक्स की तरफ से और दूसरा MCU की तरफ से। और शायद मेरा ख्याल ये है कि शायद जेसिका डार्क फीनिक्स में वेरेंकी का ही रोल कर रही होगी, जिसके चलते शायद फॉक्स ये बात फैंस को बताना नहीं चाहता होगा। वेल, तो आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि फॉक्स MCU के साथ ये चीज बिल्कुल सही कर रहा है या गलत। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।